आज सोमवार 3 अगस्त को सावन माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस बार सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगा। भद्रा के बाद ही बहनों को अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 9:29 के बाद पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। 3 तारीख को सुबह 7:30 के बाद पूरे दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा। पूर्णिमा पर पूजन के बाद अपने गुरु का आशीर्वाद भी अवश्य लें। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि रक्षाबंधन पर गुरु अपनी राशि धनु में है और शनि मकर में वक्री रहेगा। इस दिन चंद्र भी शनि के साथ मकर में रहेगा। ऐसा योग 558 साल पहले 1462 में बना था। उस साल में 22 जुलाई को रक्षाबंधन बनाया गया था। इस बार रक्षाबंधन पर राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में है। 1462 में भी राहु केतु की यही स्थिति थी। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस बार बेहद खास है, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घ आयु आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से पहले एक विशेष थाली सजाती है। ज्योतिष आचार्य अनीश व्यास ने बताया कि पूजा की थाली में रखनी चाहिए ये 7 खास चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं। कुमकुम। बहन भाई को कुमकुम का तिलक लगाती है जो सूर्य ग्रह से मिलता है और दुआ करती है कि आने वाला साल भी भाई को हर प्रकार का यश और ख्याति प्राप्त हो। चावल अक्षत। पूजा में चावल को सबसे शुभ माना जाता है। बहन भाई को कुमकुम के तिलक के ऊपर चावल लगाती है जो कि शुक्र ग्रह से मिलता है और दुआएं करती है कि भाई के जीवन में हर तरह की शुभता आए और मेरे भाई से हमेशा प्रेम बना रहे। नारियल। इसको पूजा में श्रीफल कहा जाता है। ये राहु ग्रह से मिलता है। बहन जब भाई को श्रीफल देती है तो इसका अर्थ है कि आने वाले वर्ष में भाई को सभी प्रकार की सुख सुविधा मिले। मौली। नारियल या श्रीफल पर मौली बांध कर रखना उचित माना जाता है। मौली लाल रंग का धागा मात्र नहीं है, वो एक विश्वास का प्रतीक है कि ईश्वर हमारे साथ है। रक्षा सूत्र राखी। रक्षा सूत्र हमेशा दाएं हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। ये मंगल ग्रह से मिलता है जो कहता है कि बहन की दुआएं हैं कि उसके भाई सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुश्किलों से उसकी रक्षा करें। मिठाई। बहन भाई को मिठाई खिलाती है जो कि गुरु ग्रह से मिलता है और दुआ करती है कि उसके भाई पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। भाई के घर में सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो। दीपक। फिर बहन भाई की दीपक से आरती करती है जो शनि और केतु ग्रह से मिलता है और दुआएं करती है कि मेरे भाई के जीवन में आने वाले रंग और कष्ट सभी दूर हो। जल से भरा कलश। फिर जल से भरे कलश से भाई की पूजा करें जो कि चंद्रमा से मिलता है, जिसमें बहन दुआएं करती है कि मेरे भाई के जीवन में मानसिक शांति हमेशा बनी रहे। धूप या अशोका या फिर पान का पत्ता। ऊपर 8 चीजें बताई गई हैं जो 8 ग्रहों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नवी चीज है पानी के कलश में धूप या पान या अशोक का पत्ता। पान और अशोक के पत्ते को हमेशा पूजन सामग्री में शामिल किया जाता है। इन्हें शुभ का प्रतीक माना गया है। धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।